We have done one lecture before this, that was lecture number one, and that contained many developments in laws of motion. जब से ये दुनिया बनी है हम लोग मोशन को देख रहे हैं. शुरू से हमने क्या देखा कि सन राइज होता है और ऐसे मूव करता है. पेड़ से एक पत्ता गिरता है, मूव करता है, तो उसको देखकर हमने नियम बनाए. ये कुछ नियम पहले बने पर उसको लिखा नहीं गया, उसके रूल्स नहीं बनाए गए, हमने ऑब्जर्व किया. ओके, देख के कुछ रूल भी बने, लेकिन वो रूल अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने बनाए. एंड दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज इंट्रोडक्शन. न्यूटन के बाद जो नया एरा आया उसमें आइंस्टाइन ने भी रूल्स बनाए, मोशन के रूल्स बनाए, और उनका ये कहना था कि ये पूरी दुनिया में एक ही लॉ है और वो है मोशन का लॉ, और इस मूवमेंट से ही, मोशन से ही ये दुनिया चलती है. स्पेस, टाइम, रिलेटिविटी, ये सब नेचर के लॉज डिसाइड होते हैं. लेकिन हम जो यहां स्टडी कर रहे हैं वो न्यूटन्स लॉज है. इसलिए ये जो न्यूटन्स के लॉज हम स्टडी करेंगे इसमें हम आइंस्टाइन के लॉज स्टडी नहीं करेंगे. न्यूटन के पहले जो लोगों ने लॉज बनाए थे वो भी स्टडी नहीं कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग न्यूटन्स लॉ एंड व्हाट न्यूटन सेड अबाउट इट, ओनली दैट पोर्शन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन हमें बताते क्या है. लॉज ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो क्यों मूव करता है, और जब मूव करता है तो उसकी कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है. काइनेमेटिक्स में हमने क्वांटिटीज पढ़ी है. वेलोसिटी उसके पास होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सीलरेशन एक क्वांटिटी होती है कि वेलोसिटी बढ़ते जाती है. ये सब उसके मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स हैं. ये मोशन के पैरामीटर्स कौन कंट्रोल करता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस मोशन, उस रीजन को हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. और वो रीजन होता है फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे, पुल करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, उसके मोशन में चेंजेस आ जाते हैं. और इसी के जो हमने लॉज बनाए हैं उन लॉज को न्यूटन ने डिफाइन किया, उनकी डिटेल बताई, एंड दोज आर नोन एज लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन में हम इसको बेसिकली थ्री लॉज में डिवाइड करते हैं. एंड वी नॉर्मली टेल देम लॉ नंबर वन, लॉ नंबर टू, लॉ नंबर थ्री, उसके दूसरे नाम भी हैं. ओके, तो आज हम उसका फर्स्ट लॉ देखेंगे विच इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसमें आप देख रहे हैं इनर्शिया. ये जो इनर्शिया वर्ड आया है पहले इसको एक्सप्लेन करना है, और यही सबको समझ में आना चाहिए. दिस इज अ मस्ट. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया means inability. Inability. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी काम को कर सकता है तो हम उसको एबिलिटी कहते हैं, और जब वो नहीं कर सकता तो उसको उसकी इनएबिलिटी कहेंगे. ओके, तो ये किस चीज की इनएबिलिटी है? हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोशन की कंडीशन को चेंज करना, क्या ये किसी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है. ये उसकी इनएबिलिटी, उसको हम कहेंगे उसका इनर्शिया. मोशन की कंडीशन को चेंज करना, मोशन की कौन सी कंडीशन होती है? तो मोशन की कंडीशन हमने अलग अलग तरह की पढ़ी है. एक हमने डेफिनेशन पढ़ी है, व्हाट इज मीन्ट बाय रेस्ट. रेस्ट, यू हैव ऑल्सो स्टडीड एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. और आपने एक चीज पढ़ी है, द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सीलरेशन. तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, और एक्सीलरेट भी कर सकता है. तो यहां हम दो चीजें लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्या वो अपने आप चलेगा, कभी भी चल सकता है क्या? आंसर है नो, इट विल रिमेन एट रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका क्या होगा, क्या वो रेस्ट पे आ जाएगा?
तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि शुरू में हम क्या सोचते थे कि हर चलता हुआ ऑब्जेक्ट फाइनली एट रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है। हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था लुढ़का के। अभी फिर एक एक्सपेरिमेंट देखिए। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने यहाँ ऊपर से एक बॉल को छोड़ा, ये बॉल यहाँ पर ऐसे आई और यहाँ से स्पीड अप हो गई, स्पीड अप होके ये यहाँ जा रही है, ये। अब यहाँ जाकर हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये इस तरह से, तो ये यहाँ पर गई और यहाँ तक गई और यहाँ जाकर रुक गई। क्यों? क्योंकि हमने इधर से एक फोर्स लगाया, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया और ये ऐसे जाकर जो इतना उठा हुआ है उसको ऐसे कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, ये बॉल यहां से ऐसा चली और ऐसे जाते हुए ये, अब ये यहां तक जाकर रुकती है। पहले यहां रुकी थी, अब इतनी दूर जाकर रुक गई और ज्यादा देर तक ये चल रही थी। अब उसके बाद फिर से हमने इसको चेंज किया और अब यहां से ये जो सरफेस थी, ये सरफेस ऐसे आई और इस सरफेस को हमने ऐसे बना दिया, दिस स्लोप को और कम कर दिया। तो देखा अब ये बॉल यहां से ऐसे चलते 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 इतनी दूर तक चली गई, इससे और भी दूर तक चली गई। मैंने क्या कम किया, इसका जो रेस्ट्रिक्शन था, जो अपोजिशन का फोर्स था वो कम कर दिया, इससे थोड़ा कम किया, बॉल और आगे चली गई, ज्यादा देर तक चलती रही, और फोर्स को कम कर दिया। कौन सा फोर्स, जो उसको रोकने वाला था, इस फोर्स को कम किया और दूर तक चली गई, और कम किया और दूर तक चली गई। इसका ये मतलब है कि अगर अपोजिशन के फोर्स को कम किया जाए तो ये मोशन ज्यादा देर तक कंटिन्यू करेगा। देखा आपने, फोर्स को कम करिए कम करिए कम करिए तो ये ज्यादा दूर जाएगा और ज्यादा दूर जाएगा और ज्यादा देर तक चलता जाएगा। सपोज आइडियल कंडीशन में इस फोर्स को हमने जीरो कर दिया, जीरो बिल्कुल, तो क्या होगा, तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, इन्फिनिट टाइम तक मूव करता रहेगा। तो ये क्या, क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमने फोर्स को जीरो कर दिया है और कोई फोर्स हम अपोजिशन में नहीं लगा रहे। तो इससे हमारा एक, हम फिर ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, ये पहले रुक रहा था तो अब नहीं रुकता है, क्या इसमें रुकने की एबिलिटी नहीं है? तो आंसर है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोर्स को अगर हम जीरो कर देंगे तो वाकई इसमें रुकने की एबिलिटी नहीं, रुकने की एबिलिटी नहीं है, ये मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेगा। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कर रहा है, मोशन, मोशन करने के बाद, करते करते इसमें एक इनएबिलिटी है कि ये अपने मोशन की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, इट विल कीप मूविंग। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और ये आपने देखा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसी फर्स्ट लॉ के हमने और टुकड़े किए, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी एक लोकेशन पर, यहां पर प्लेन सरफेस है और ये बॉल उस पर रखा है। अब हम वेट करते हैं कि ये कभी तो चलेगा, तो आंसर है कभी नहीं चलेगा। चलने के लिए हम जब यहां से बाहर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यहां पर पुश करेंगे पुश, तब ये यहां से चलना शुरू करेगा। अपने आप इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये मूव कर सके, दैट इज अगेन इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, किस कंडीशन में था अर्लियर, रेस्ट की कंडीशन में था, तो इसके पास कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये यहां पर मूव कर रहा है, यहां पर मूव कर रहा है, यहां पर मूव कर रहा है, तो इसके पास कौन सा इनर्शिया है, दिस इज इनर्शिया ऑफ
motion. This is inertia of rest. इस तरह से एक inertia rest का, एक inertia motion का. इसी तरह से एक और inertia भी हो सकता है. एक object अगर straight move कर रहा है और straight move करते जा रहा है, अगर हम इसकी direction को change करना चाहते हैं, हम बाहर से force लगाएंगे तब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी. और अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो जैसे ये मूव कर रहा है, यहां पर हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट अब ऐसे चलता चला गया. इस फोर्स के कारण ये ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर से फोर्स लगाया और ये ऐसे मूव हो गया. एक साइकिल मूव कर रही है और हमने उसका स्टीयरिंग घुमाया. स्टीयरिंग घुमाने से नीचे से ग्राउंड से फ्रिक्शन का फोर्स लगता है और वो फ्रिक्शन का फोर्स उसको बेंड कर देता है. इसी तरह से एक धागे से हमने पत्थर बांधा और उसको ऐसे घुमाया, पत्थर सीधा जाना चाहता है पर धागा उसको जाने नहीं देता. यहां से एक मीटर पे धागा है, फिर ये ऐसा सीधा जाएगा तो ये ऐसे 1.5 मीटर हो जाएगा, लेकिन धागा 1 मीटर है. वो अपने में टेंशन डेवलप करता है और इसको आगे जाने नहीं देता, और उस टेंशन के कारण ये जो सीधा जा रहा था इसको ऐसा खींच लेता है, फिर ये सीधा जा रहा था फिर इसको ऐसा खींचता है, फिर ये सीधा जा रहा था ऐसा खींचता है, तो अल्टीमेटली ये गोल घूमने लगता है. तो ये डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? क्योंकि उस धागे में टेंशन है. बिना फोर्स के किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता. श्योर. डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो आंसर है अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो नहीं मुड़ेगी. यानी अगर हमको कभी भी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना मस्ट है. फिर से दूसरे शब्दों में, इट हैज इनएबिलिटी टू चेंज इट्स ओन डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन को मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं कर सकता, एंड दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो ये तीनों क्या है? दीज आर कंडीशंस ऑफ मोशन. सो ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. द इनएबिलिटी ऑफ दिस बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन इज नोन एज inertia. So this is inertia. और ये जो inertia के बारे में आपने पढ़ा, that is law of inertia. तो law of inertia क्या हुआ? A body by itself cannot change its condition of rest, motion or direction. इसको हम लोग अलग अलग शब्दों में express कर सकते हैं. A body at rest will remain at rest unless an external force is applied on it. Dusra, a body in motion will keep moving unless an external force is applied on it. A body moving in a straight line, a body moves in a straight line, that is natural. A body moves in a straight line and it cannot change its direction unless external forces applied on it. So a body cannot change its condition of rest, a body cannot change its condition of motion, a body cannot change its direction of motion. This is all inertia. तो इस inertia के कारण कोई भी चीज चलते रहती है, ये होता है inertia. अब इस inertia के बारे में एक दो चीजें और. ये लॉ ऑफ इनर्शिया बना, तो क्या हम फर्स्ट लॉ को लिख सकते हैं? आंसर यस. लेट्स राइट द फर्स्ट लॉ. ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. इसी लॉ को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं. किस तरह से? आई विल राइट इट दैट वे, और उसको देखिए. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in condition of motion
in the same direction unless an external force is applied on it. ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का. Okay, you can go for either one. अब इसमें एक दो चीजें और. First law हमें क्या बताता है? First law force के बारे में क्या बताता है? तो आंसर है ये हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है. प्लीज रिमेंबर फर्स्ट लॉ इज अबाउट व्हाट? फर्स्ट लॉ इज अबाउट इनर्शिया. करेक्ट. अनदर थिंग फोर्स द फर्स्ट लॉ टेल्स अस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब आपको ये लगेगा इसमें फोर्स की डेफिनेशन कहां है? तो देखिए इसमें फोर्स की डेफिनेशन यहां है. ये इसका ये मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या एट रेस्ट है उसकी कंडीशन ऑफ मोशन नहीं चेंज होगी. कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक हम उस पर लगाएंगे. क्या लगाएंगे? फोर्स. ये फोर्स की डेफिनेशन है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में ला सकता है और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो उसको एट रेस्ट ला सकता है. एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो कौन एजेंट काम करेगा? उसका नाम क्या? फोर्स. दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स. एंड हु गिव्स इट? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स. तो ये याद रखिए, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स? Answer, first law of motion gives us definition of force. Now, what is this definition of force? Definition. Condition of motion, हम लोग discussed कर चुके हैं. तीनों condition, rest, motion and straight line movement, direction. उसको change करता है जो, वो क्या है? Force. So, this is definition of force. Now, can we have मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया इनएबिलिटी है. ओके, ये प्रॉपर्टी हम किसी मटेरियल को कैसे दे सकते हैं? तो आंसर है कि ये प्रॉपर्टी हम उस मटेरियल को देते नहीं है, ये उसके अंदर इनबिल्ट होती है. और इनबिल्ट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कि ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट को देना नहीं पड़ता है, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है. क्या इसका कुछ मेजरमेंट होता है? आंसर है यस, मेजरमेंट होता है. अलग अलग मोशन की कंडीशन में इसका मेजरमेंट अलग अलग होता है. जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसका जो मेजरमेंट है इनर्शिया का, वो हम उसके मास से नापते. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, राइट? और हमको कैसे पता लगेगा कितना इनर्शिया? तो आंसर, हमको फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा. अब आप देखिए फोर्स मास से रिलेटेड होता है और मास ही मेजरमेंट होता है इनर्शिया का. सो द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर दूसरे टाइप का मोशन हो जैसे सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का मेजरमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. दैट वी विल स्टडी इन दैट टॉपिक. हमारे डे टू डे लाइफ में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनर्शिया के, और ये एग्जांपल ही हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. वन वेरी फेमस एग्जामिनेशन क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया इज अबाउट द पैसेंजर सिटिंग इन द बस और द पैसेंजर सिटिंग एज ए पिलियन राइडर ऑफ मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल पर या बस में जो पैसेंजर बैठा होता है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है. बस की सीट पर एक पैसेंजर बैठा है. व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं बस. बस की सीट जो कि बस की बॉडी से अटैच होती है, और जब बस मूव करेगी तो ये सीट भी मूव करेगी. इस सीट पर एक पैसेंजर बैठता है और ये पैसेंजर की अपर बॉडी और ये पैसेंजर की लोअर बॉडी.
lower body is in contact with the seat. Okay. Now, when the bus moves, there is a contact force between seat and the person. इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है और जो अपर बॉडी ऑफ द पर्सन है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है. सो व्हेन द बस मूव्स द सीट आल्सो मूव्स द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर एंड दैट मूव्स. शुरू में क्या कंडीशन है? आंसर है शुरू में लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन दोनों एट रेस्ट है. जैसे ही बस मूव करेगी फोर्स किस पर लगेगा? लोअर पोर्शन पर फोर्स लगेगा और अपर पोर्शन अभी भी एट रेस्ट ही रहेगा. देखिए फोर्स इस पर अप्लाई हुआ तो फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है. उसका रेस्ट का इनर्शिया छूट गया. क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो गया इसलिए ये पोर्शन मूव करता है. पर हेड में यहां पर कॉन्टैक्ट देर से आता है इसलिए हेड अपनी जगह पर ही बना रहता है. ये इसकी जगह थी, ये पूरी की पूरी आगे मूव कर गई. सीट आगे मूव हो गई, लोअर पोर्शन आगे मूव हो गया पर हेड मूव नहीं हुआ. और हम क्या देखते हैं कि ये आदमी ऐसा पीछे की तरफ झुक गया. तो ये जो स्ट्रीट था ये स्ट्रीट ऐसे पीछे झुक गया. क्यों? ये पीछे झुका नहीं है, हेड जहां पर था ठीक उसी जगह पर हेड अभी भी है. लेकिन ये हेड है और ये हेड अभी भी उसी लोकेशन पर ही है लेकिन बाकी जो उसकी बॉडी है वो आगे मूव कर गई है. तो ये जो बस चली इस बस ने सीट को आगे कर दिया पर हेड अभी भी अपनी लोकेशन पर ही है. इसलिए हम क्या देखते हैं कि हमको जो दिखता है इट लीन्स बैकवर्ड. इस तरह से ये हमको एक्सप्लेन करता है इनर्शिया. कौन सा इनर्शिया? तो पहले ये किस स्टेट में था? रेस्ट की कंडीशन में था और रेस्ट की कंडीशन के कारण ये पीछे झुक गया. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट? तो आंसर इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्योंकि द रेस्ट वॉज देयर एंड इट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट. ओके, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. बस को थोड़ी देर चलते हुए हो गए. ओके, जब बस थोड़ी देर चल रही है तो उस समय उसका पैसेंजर ये ऐसे स्ट्रेट बैठा है इस तरह से और ये वेलोसिटी इसके पास है. इट कीप्स ऑन मूविंग. अभी उसने अपना पोस्चर सीधा कर लिया है, ये सीधा है. अब ये सीट मूव कर रही है, इसकी लोअर बॉडी भी मूव कर रही है, इसकी अपर बॉडी भी मूव कर रही है, सबकी एक ही वेलोसिटी है. नाउ सडनली देयर इज ए ब्रेक. इफ देयर इज ए ब्रेक अप्लाइड देन व्हाट हैपेंस? ब्रेक किस पर अप्लाई होती है? बस की बॉडी पे और बस की बॉडी के कारण इसकी सीट पे. तो इसकी सीट अपनी जगह पर रुक जाती है तो इस सीट की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. लोअर बॉडी जो इसके कांटेक्ट में है इस पर कांटेक्ट का फोर्स लगा इसलिए इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो. लेकिन अपर बॉडी यहां पर बीच में फ्लेक्सिबल है, ये इसके सीट के कांटेक्ट में नहीं है. इट कीप्स ऑन मूविंग. और जब ये ऐसे आगे मूव करेगी तो हम क्या देखते हैं? विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये आगे मूव करके अपनी इस लोकेशन की बजाय यहां पर आ गई ऐसे.
तो ये पर्सन ऐसा आगे की तरफ झुका हुआ हमको दिखता है। तो इसमें क्या हुआ, सीट रुक गई, लोअर बॉडी रुक गई, पर ये हेड जो है, अपर बॉडी जो है, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट वॉज मूविंग, इट कीप्स ऑन मूविंग। तो ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये बॉडी क्या करने लगी, लीन फॉरवर्ड। सो व्हेन ए बॉडी, व्हेन बस स्टार्ट, द बॉडी लीन्स बैकवर्ड, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहां आप देख रहे हैं, पहले रेस्ट पे था, ये आगे गया और ये वहीं पर ही है, सीट आगे चली गई तो पीछे झुक गया। ये ऐसे इनिशियल कंडीशन थी, तीनों वेलोसिटी में है, और जैसे ही ब्रेक लगती है, सीट लोअर पोर्शन की वेलोसिटी जीरो, पर हेड की वेलोसिटी अभी भी है, सो द बॉडी लीन फॉरवर्ड। ये दो फेमस एग्जांपल्स हैं हाउ वी एक्सप्लेन इनर्शिया। एंड नाउ वी हैव मेनी मोर एग्जांपल्स आउट ऑफ दिस। एक रग ली, कंबल, और उस कंबल में डस्ट पार्टिकल्स है, और उसको हम पीटते हैं, ओके। ये एक रग है, कारपेट, कारपेट पर हम स्टिक से, ये स्टिक चलाते हैं इस पर, और क्या देखते हैं कि इसमें से डस्ट पार्टिकल ऐसे मूव करते। ये कौन सा एप्लीकेशन है इनर्शिया का? तो आंसर है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ, सोचिए, इनिशियली कारपेट एंड डस्ट दोनों एट रेस्ट थे, जैसे हम स्टिक से उसको हिट करेंगे, कौन नीचे जाएगा, स्टिक किसके कांटेक्ट में आई, कारपेट के कांटेक्ट में आई, एंड द कारपेट दैट इज वूवन कारपेट, बुनी हुई कारपेट नीचे जाती, डस्ट पार्टिकल उसके साथ टाइट नहीं है, चिपके हुए तो नहीं है, उस पर लूज रखे हुए, तो जैसे ही कारपेट नीचे जाएगी, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, ठीक। अब दोनों के बीच में गैप बन गया, फिर जैसे ही कारपेट ऐसे ऊपर आती है, इन दोनों के बीच एयर है, और ये ऐसे ऊपर आई, तो इसने डस्ट को भी ऊपर उछाल दिया, वहां पर जो एयर का मूवमेंट होता है, उस एयर से डस्ट ऊपर उठने लगती है, वी सी इट हियर। तो मूव किसने किया, मूव कारपेट ने किया। ये पहले दोनों इकट्ठे थे, कारपेट नीचे आई हमारे हिट करने से, डस्ट पार्टिकल क्यों नहीं नीचे आए, क्योंकि डस्ट का सिंगल सिंगल पार्टिकल लूज होता है, इसलिए अगर एक डस्ट के पार्टिकल को हिट करेंगे तो दूसरे डस्ट के पार्टिकल नीचे नहीं आएंगे, पर कारपेट आपस में वूवन होती है, अगर हम उसके एक पार्टिकल को हिट करेंगे तो पूरी कारपेट को नीचे आना है। अब जैसे ही यहां से हम कारपेट को यहां हिट करते हैं, कारपेट ये नीचे आ गई, डस्ट यहीं रुकी है, अब दोनों के बीच ये गैप है। अब जैसे ही हम कारपेट को हिट करके छोड़ते हैं, कारपेट फिर ऊपर उछलती है, और इनके बीच का जो एयर है वो पूरा एयर परकोलेट होता है, पूरे एयर को ऐसे पुश मिलता है और ये डस्ट उड़ जाती है, ओके। स्टोरी तो समझ में आ गई, पर इनर्शिया कौन सा एप्लीकेबल हुआ? यस, इनर्शिया एप्लीकेबल हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले दोनों कैसे थे, एट रेस्ट, हमने इसको हिट किया तो ये ऐसा मूव किया, दोनों सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि डस्ट मूव नहीं किया, डस्ट इज अनेबल टू मूव, इट हैज इनएबिलिटी टू मूव, दिस फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द कारपेट, इट मूव, डस्ट डिड नॉट मूव, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेपरेट हो गए और उसके बाद वो क्यों उड़ा, कैसे उड़ा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इनिशियली सेपरेशन किसके कारण हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड वेलोसिटी का एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, व्हेन वी फायर ऑन ए विंडो पेन,
विंडो ग्लास में जब हम फायर करते हैं, दो तरह से उसमें छेद हो सकते हैं. इफ यू फायर फ्रॉम ए डिस्टेंस, अगर हम एक डिस्टेंस से फायर करेंगे, यहां से फायर करते और ये विंडो पैन है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा विंडो पैन है ये इस तरह से क्रैक हो गया और बड़ा सा ग्लास यहां पे टूट गया. अब दूसरे एग्जाम्पल में हमने यहां पर गन को रखा और यहां से शॉट किया. द शॉट वॉज वेरी फास्ट और यहां से हमने शॉट किया और अब हम देखते हैं कि विंडो में ये एक छेद होता है. बस दिस इज हाउ इट ब्रेक्स. तो ये फास्ट, ये कैसी थी? स्लो. क्यों? ये डिस्टेंस से आई and this is very close. Okay. क्या डिफरेंस होता है? जब ये डिस्टेंस से आकर स्लो हो जाएगी तो स्लो होने से इसने इसको हिट किया तो इस पूरे में वाइब्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम मिल गया. यहां से यहां पर वाइब्रेशन गया, इसको जाने में टाइम लगता है. तो जब इसने बुलेट ने यहां पर हिट किया, यहां हिट किया तो इसका फोर्स यहां भी ट्रांसमिट हो गया, यहां भी ट्रांसमिट हो गया, यहां भी ट्रांसमिट हो गया और ये ट्रांसमिशन कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण पूरा ग्लास वाइब्रेट हुआ. पूरा ग्लास वाइब्रेट हुआ तो ये पूरा ग्लास टूट गया ऐसे. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल, द गन वॉज वेरी क्लोज and therefore the bullet was very fast. ये fast bullet जब यहां पर पहुंचती है और इस particle को hit करती है, पूरे particle at rest है. इस bullet यहां आई और उसने इसको move किया contact force से. बाकी particles they would like to remain at rest because of inertia of rest. ये सब at rest रहते हैं और ये इतना fast move करता है कि इसका contact उतना time नहीं देता कि ये force यहां transmit हो जाए. अगर ये slow होता, पहले ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, तो इतना time मिल जाता कि ये contact यहां भी जाता, यहां भी जाता, यहां भी जाता और सबके सब move हो जाते. लेकिन हमने इतना फास्ट किया कि इसको कॉन्टेक्ट फोर्स को ट्रांसमिट करने का टाइम नहीं मिला और बाकी सब क्यों नहीं चले? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ये बीच का पोर्शन ऐसे निकल गया एंड व्हाट वी सी इज ए होल. और यही चीज हम कैरम बोर्ड में देखते हैं. कैरम बोर्ड में हम ऐसे गोटियां सेट करके रखते हैं एक के नीचे एक और सबसे नीचे वाली गोटी को मारते हैं. ये जब हम इसको फास्ट हिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाकी सब की सब अपनी जगह पर एज इट इज खड़ी. ये वाली यहां से निकल जाती. क्यों? एवरीथिंग वॉज एट रेस्ट. इसको हमने कॉन्टेक्ट फोर्स दिया तो इसका इनर्शिया चेंज हो गया एंड दिस स्टार्टेड मूविंग. बिकॉज इनर्शिया तब तक रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसमें मोशन आ गया और ये मूव किया. कॉन्टेक्ट का फोर्स ट्रांसमिट होने के लिए टाइम चाहिए, हमने टाइम नहीं दिया बिकॉज दिस वॉज वेरी फास्ट. तो इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ये सब एट रेस्ट है एज इट इज खड़े हुए हैं. ये निकल गया और ये सब के सब वैसे ही खड़े रहते. सपोज अवर स्ट्राइकर इज स्लो. अगर ये स्लो हो गया तो हमने इतना टाइम दे दिया कि जब तक ये यहां से यहां मूव करेगा देर इज ए सफिशियंट टाइम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स. तो ये इसको भी मूव करा देगा, इसको भी मूव करा देगा और नीचे वाले ज्यादा फास्ट मूव होंगे, ऊपर वाले स्लो मूव होंगे. और अभी आपने बस के एग्जांपल में देखा, अगर नीचे फास्ट मूव होगा ऊपर स्लो मूव होगा देन इट विल लीन बैकवर्ड. तो ये ऐसा बैकवर्ड लीन करेगा, बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा, गिर जाएगा. तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट.
क्यों? क्योंकि पहले ये रेस्ट में था और ऊपर की बॉडी एट रेस्ट रहती है. सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसी इनर्शिया को हम बहुत यूज करते हैं. ट्राई टू सी एग्जाम्पल्स. जब हम ऊंची कूद लेते हैं, हाई जंप, तो हमसे क्या कहा जाता है? दूर से दौड़ के आओ. अरे जब हमने कूदना ऊपर है तो हम लंबा दौड़ के क्यों आएंगे? नो, इट इज आस्क्ड कि दौड़ के आइए और फिर कूदिए. ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम दौड़कर आते हैं लास्ट पॉइंट पे आके हमसे बोला जाता है जितना हो सकता है ऊपर उछलो. तो हम उस समय अपनी पूरी 100% ताकत ऊपर उछलने में लगाते हैं. लेकिन अगर हम खड़े खड़े 100% ताकत ऊपर उछलने में लगाएंगे तो देखिए ऐसा ऊपर उछलेंगे ऐसा नीचे आ जाएंगे. रस्सी पार कैसे करेंगे? वी कांट डू इट. ओके, तो हम क्या करते हैं? ऐसे दौड़ के आते हैं, थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं और फिर जोर से ऊपर उछलते हैं. और ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ये हमको ऐसे आगे ले जाता है, रस्सी को पार कर लेते हैं. इसी तरह से जब लॉन्ग जंप हमने करना होता है तो हम बहुत फास्ट दौड़ के आते हैं. फास्ट दौड़ के आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? जोर से ऊपर उछलते हैं. उस समय फास्ट दौड़ते हैं, जोर से ऊपर उछलते हैं ताकि हम ऐसा टाइम ज्यादा दे सके. जितनी देर तक हम हवा में आगे रहेंगे हमको आगे कूदने की जरूरत नहीं है. क्यों आगे कूदने की इसलिए जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक मोशन बन चुका है, एक वेलोसिटी आ चुकी है. एंड ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन हमारी बॉडी तो आगे बढ़ती ही रहेगी. इसलिए हमारा सिर्फ काम क्या है कि हम अपनी बॉडी को एयर में रखें. तो हम ऊपर उछलते हैं और एक सेकेंड, दो सेकेंड, ढाई सेकेंड एयर में रहते. हम आगे की तरफ जोर नहीं मारते, हम तो खाली एयर में चले जाते और हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे लौटने के पहले दो सेकंड, तीन सेकंड टाइम बिता दें. क्यों? जितनी देर तक हम हवा में रहेंगे फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी हमारी बॉडी आगे बढ़ती जाएगी. सो लॉन्ग जंप में कौन एथलीट सक्सेसफुल होता है? जो आगे की तरफ ज्यादा धक्का मारता है या ऊपर की तरफ? तो आंसर है ऊपर की तरफ. क्यों? क्योंकि आगे धक्का मारने के लिए तो वो दौड़ चुका है, एक वेलोसिटी अपनी बॉडी में ला चुका है. अब नेक्स्ट क्या है? उसको एयर में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहना है, उतनी देर तक वो वेलोसिटी उसको आगे ले जाएगी. तो उसको दोनों चीज चाहिए, वेलोसिटी भी फास्ट चाहिए ऑफ कोर्स. तो इसलिए बहुत तेजी से दौड़ के आता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने एयर का टाइम बिल्डअप कर लेता है. दिस इज हाउ इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी वर्क. तो इस तरह से इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल आपको हर जगह मिलेंगे. ओके, सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वी सी. एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया. और जितने आपको लाइफ में एग्जाम्पल्स मिलते हैं ट्राई टू अप्लाई इट देयर एंड यू विल एंजॉय दिस. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, वी गो टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ नंबर 2.